स्वागत है मेरे चैनल टिकटेजी पर। और आज हम अपना प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चल रहा था हमारा बायो का चैप्टर नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमने इस चैप्टर में एर्थ्रोपोडा तक पढ़ लिया था और आज हम मोलस्का सबकिंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मोलस्का सबकिंगडम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर होता है बॉडीज बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, मतलब जो एर्थ्रोपोडा में था वो इसमें बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होती है एंड सेगमेंटेड होती है। बट देयर इज़ वेरी लिटिल सेगमेंटेशन, पर इसके अंदर बहुत कम सेगमेंटेशन होता है। शॉर्ट कॉलमिक कैविटी, जो कॉलमिक कैविटी है वो बहुत कम है, मतलब बॉडी कैविटी बहुत कम है इसके अंदर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनीज लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन, इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है और किडनी लाइक ऑर्गन्स आ चुके हैं एक्सक्रेशन के लिए। फूड सीम्स टू बी अपीयर, और जो पैर हैं वो दिखने स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि उसके अंदर तो जॉइंटेड लैग्स थे, पर जो इसके अंदर हैं फूड वे दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। तो आप देखिए ये मोलस्का ग्रुप है, ऑक्टोपस, चिटोन, पीला, यूनिया, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं लेग्स दिखाई देने शुरू हो चुके हैं अलग अलग। आप देखते हैं हमें एकिनोडर्माटा। एकिनो मींस हेजहॉग, सर्कल्स विद स्किन। एकिनो का मतलब होता है सर्कल्स, जिसका सर्कल मतलब जो स्किन होती है उसमें सर्कल्स होता है छोटे छोटे से। डर्मा मींस स्किन। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स विद पेक्यूलियर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम, और जो ये होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। और पेक्यूलियर वाटर ड्राइविंग सिस्टम, मतलब इनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि वाटर को अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं, पूरी ट्यूब होती है इनके अंदर। और कॉलमिक कैविटी अराइजेस, जो कॉलमिक कैविटी होती है वो अराइजेस हो जाती है, मतलब वो आ जाती है इनके अंदर। और अगला पॉइंट है बॉडी ट्राइपोब्लास्टिक, और जो इनकी बॉडी होती है वो ट्राइपोब्लास्टिक होती है। और अब आप इसके अंदर देखिए, इनके अंदर स्केलेटन भी होता है। स्केलेटन इज ऑफ हार्ड लेयर ऑफ CaCO3, मतलब सी ए का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का। और एग्जांपल है स्टारफिश, शियोर्चिन। तो हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एक्नोडर्माटा के बारे में ये रहे बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, बोल ट्राइपोब्लास्टिक होती है और एक्सक्लूसिवली इनके अंदर ट्यूब्स होती हैं, ये पानी को जो अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी फेंक सकती हैं। और प्रोटोजोआ डाटा, ट्राइपोब्लास्टिक कॉलमिक कैविटी प्रेजेंट बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं, कॉलमिक कैविटी प्रेजेंट हो चुकी है और बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है। नोटोकोड अराइजेस, अभी नोटोकोड क्या होती है, अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेपरेट नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्यूब लाइक, जैसे हमारे में स्पाइनल कॉर्ड होती है ऐसी इनके में नोटोकोड होती है एक, जो हमारे नर्वस टिश्यू मतलब जो हमारे फूड्स का उसका नर्वस से नीचे से बिल्कुल गट, जो हमारी ये चीन होती है इससे थोड़ा सा आगे ना तक सेपरेट करती है, बॉडी को अलग करती है। बट इट ओनली अराइजेस एट सम स्टेजेस, जो प्रोटोजोआ डाटा होते हैं इनके अंदर कई बार तो ये आ जाती है छोटे स्टेजेस पे, नहीं तो ये कभी बार आती भी नहीं है। ये बॉडी के उसके ऊपर बात है कि वो प्रोटीन कैसा ले रहा है। नोटोकोड गिव शेप सपोर्ट एंड प्रोवाइड मसल्स टू अटैच, जो नोटोकोड होती है वो शेप देती है, सपोर्ट देती है एंड प्रोवाइड मसल टू अटैच। दे आर मैराइन एनिमल्स, और ये मैराइन एनिमल्स रहते हैं खारे पानी में रहते हैं, मतलब जो सोल्ट वाटर होता है उसमें रहते हैं। एग्जाम्पल बेलेनोग्लास हरमेंडिया, तो अब मैं उसको आपको इसके एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ एक बार। इसके एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, देख पा रहे हैं आप, ही ऐसे होते हैं इसके एग्जाम्पल, कितना लंबा ये, और इसकी नोटोकोड दे रखी है बाहर की तरफ। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है, ट्रू इंटरनल कॉलम इज प्रेजेंट, मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन। ये हमारी तरह होता है वर्टिब्रेटा, क्योंकि वर्टिब्रेटा के अंदर हम भी आते हैं। बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं हम, ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉलमिक कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे अंदर, बॉडी सेगमेंटेशन फाउंड, और जो बॉडी सेगमेंट होता है वो फाउंड होता है, मतलब बॉडी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होती है हमारी भी। तो अब हम इसके 6 पार्ट्स पढ़ लेते हैं बस, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके 6 पार्ट्स से पहले है साइक्लोस्टोमाटा, बॉडी इज लॉन्ग लेगेटेड एंड इल लाइक बॉडी। पर जो ये साइक्लोस्टोमाटा है ये इस साल सिलेबस में से निकाल दिया, पर जब भी हम पढ़ लेंगे कब तक कब आ जाइए। स्किन इज सॉफ्ट स्मूथ स्लाइमी सर्कुलर माउथ, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स लैम्प्रे हैगफिश। तो उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो सब समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर के बारे में रखा है सिंपली बस। अब हम पढ़ते हैं पाइसिस। पाइसिस के अंदर क्या होता है, दे आर फिशेज, दे आर फोर हैबिटेट इज एक्वेटिक। ये फिशेज होते हैं इससे, इसका मतलब इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक ही होगा। गिल्स आर प्रेजेंट, और इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, और जो बॉडी है वो स्केल्स से कवर्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ जो बॉडी है उसके अंदर उसके बाहर स्केल्स होते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब है जो शिप्स होते हैं जो पानी को काट सके, ऐसी बॉडी होती है इनकी, ऐसे करके जैसे फिश की ऐसी बॉडी होती है जो पानी को काट चली जाती है वो। कोल्ड ब्लडेड,
जो इनका ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, क्योंकि अगर ये गर्म होगा ब्लडेड, जैसा हमारा होता है हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड कह सकते हैं हम उसको, तो अगर हमारा वार्म ब्लडेड हॉट ब्लडेड होगा तो ये पानी में रहेंगे, ठंडे पानी में तो मर जाएंगे, इसलिए कोल्ड ब्लडेड होता है इनका खून। अगला है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एग लेइंग होती हैं, अंडे देती हैं ये। स्केलेटन इज ऑफ कार्टिलेजेस, जो इनका स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। सम हैव बोन्स एंड कार्टिलेजेस, और किसी किसी का तो स्केलेटन खाली कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, किसी का कार्टिलेजेस एंड बोन्स दोनों का मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है एम्फीबिया। एम्फीबिया से आप नाम से समझ रहे हो कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन पे भी दोनों जगह रह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉडीज लैक ऑफ स्केल्स कंपोज्ड ऑफ म्यूकस ग्लैंड, और जो ये बॉडी है इसमें स्केल्स नहीं होते, कंपोज्ड ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स की बनी हुई होती है। अगला पॉइंट है हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, जो इनका हार्ट होता है वो तीन चैम्बर्ड होता है। अगला पॉइंट है बोथ गिल्स एंड लंग्स आर प्रेजेंट, जो गिल्स हैं और लंग्स हैं दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देते हैं ये भी एनिमल्स, हैबिटेड लैंड एंड वाटर, क्योंकि एम्फीबिया हैं, एम्फीबियंस नाम सजेस्ट करते हैं सकते हैं आप। एग्जाम्पल टोट्स, सेलेमेंडर, फ्रॉक्स, टोट्स होते हैं, सेलेमेंडर होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं। हम आपको तीनों की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ एक बार। ये तो होता है साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल, और ये सारी फिशेज आती हैं पाइसिस के अंदर, इतनी भी फिशेज होती हैं, और ये हमारा एम्फीबिया जिसके अंदर टोड, फ्रॉग व्रॉग आ जाते हैं और सेलेमेंडर आ जाता है। अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं, अगले सेकंड उसके रेप्टिला के अंदर। रेप्टिलिया, बॉडी हैविंग स्केल्स, कोल्ड ब्लडेड एंड रेस्पायर थ्रू लंग्स। स्केल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं ये, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, और रेस्पायर थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, मतलब लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। मोस्टली हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, इनका हार्ट जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है अधिकतर। बस जो क्रोकोडाइल होता है उसका फोर चैम्बर हार्ट होता है। एग लेइंग एनिमल्स एंड एग शेल्स इज ऑफ हार्ट कोटिंग्स, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं ये अंडे देते हैं, और जो इनके अंडे होते हैं वो बहुत हार्ड कोटिंग के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल स्नेक, टर्टल, लिजार्ड और क्रोकोडाइल, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो अब आप देख सकते हैं जो रेप्टाइल करते हैं सिंपली आप समझ ही जाइए, स्नेक ही होगा, फ्लाइंग लिजार्ड हो गई, होम लिजार्ड हो गई, और टर्टल, कमीलियन, बहुत सारे होते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट है एप्स। एप्स के अंदर बर्ड्स आती है मोस्टली, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये इनका भी हमारी तरह वार्म ब्लडेड होता है। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, इनका जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। दे ले एग्स, ये अंडे देती हैं। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स एंड फोर लिम्स एंड आर मॉडिफाइड एज विंग्स, मतलब जो इनकी बॉडी होती है वो पूरी उससे ढकी हुई होती है, जितने भी बॉडी होते हैं वो पूरी फेदर्स से, मतलब पंखों से ढकी हुई होती है। और एंड फोर लिम्स आर मॉडिफाइड, और जो इनके पीछे वाले, जो पीछे आगे वाले, फोर लिम्स का मतलब होता है आगे वाले जो पैर है वो पंखों के काम होते हैं, मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो इनके पीछे वाले पैर हैं वो सिंपली काम करते हैं। रेस्पायर थ्रू लंग्स, और इनके अंदर भी लंग्स होता है और ये उसकी वजह से सांस लेती है। ऑल बर्ड्स कैम इन दिस कैटेगरी, और ये जितने भी बर्ड हैं सब इसी कैटेगरी में आती है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा मैमिलिया, जिसके अंदर हम भी आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, फोर चैम्बर्ड हार्ट, मैमिलिया ग्लैंड आर प्रेजेंट टू नरिश यंग वंस, मतलब मैमिलिया ग्लैंड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं टू नरिश देयर यंग वंस। स्किन हैव हेयर्स विद स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, और जो इनकी स्किन होती है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, जो पसीने भी आता है, और स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स भी होते हैं, जो आपने 8th में ही पढ़ा होगा। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड एक्निडना, तो हमने 8th तक तो ये पढ़ा था कि डायरेक्टली बर्थ कर देते हैं देयर यंग वंस को, पर अब हम 9th में आ गए तो इसमें ये पढ़ाया हमने कि मैमिलिया के अंदर जो एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड एक्निडिया होते हैं वे भी एग्स लेइंग करते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, व्हेल्स, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल एक बार, एफ्स के और मैमिलिया के। तो एफ्स के तो आप सारे जानते हैं कि सारी बर्ड्स होंगी उसके अंदर, तो और मैमिलिया के अंदर एग्जाम्पल ये रहे, कैट, ह्यूमन, रेट, व्हेल, बैट। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो पेज नंबर 95 पे दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, अभी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं सारी, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लिए इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दे रखा है बस। और हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया यार। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।